जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल जेजीडीएल का आपने स्वागत। आज हम इस तरह की ये अपने लड्डू गोपाल के लिए गर्मियों की ये नेपी ड्रेस बनाएंगे, जो मैंने एक चौकोर पीस से बनाई है। ये हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है, तो चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए हम अपना इस तरह से चौकोर पीस काट लेते हैं। ये मैंने 2 चौकोर पीस काटे हैं। ये हमारे 4.5 बाई 4.5 इंच के चौकोर पीस हैं। ये आज हम 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाएंगे। हम ये जैसे जैसे हमारे ड्रेस के लड्डू गोपाल की साइज बढ़ती है, वैसे वैसे हम अपने इस स्क्वायर पीस की चौड़ाई आधा आधा इंच बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे हमारे लड्डू गोपाल की साइज घटेगी, वैसे हम आधा आधा इंच इसमें घटाते जाएंगे। तो 0 नंबर के लिए हम 2 इंच का स्क्वायर पीस लेते हैं, 1 नंबर के लिए 2.5 इंच का, इस तरह आधा आधा इंच हम बढ़ाते जाएंगे और छोटी छोटी साइज में हम आधा आधा इंच घटाते जाते हैं। इस तरह से हमारा ये चौकोर पीस हमने कट किया है। अब हम इसके 2 पीस कट करते हैं। अब इन दोनों पीस के ऊपर मैं चारों तरफ एक सिलाई लगा के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसके कोनों को हम इस तरह से हल्का हल्का सा कट कर देंगे। इसे हाफ फोल्ड करके हम इसके 2 पीस कट देंगे। दोनों पीस को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। कोने हमने कट कर दिए तो बिल्कुल फिनिशिंग से हमारे सीधे हो जाएंगे। हम अपने दोनों पीस को सीधा करके इसके ऊपर प्रेस लगा लिए। जो हमारे ये कोने पे आ जाते हैं, इन्हें हम कट कर देते हैं। अब हम इनके दोनों कोने लेंगे। दोनों कोनों के आधे इंच के ऊपर हम इस पर सिलाई लगा देंगे। इसके ऊपर हम आधा इंच पे निशान लगा लेते हैं। इस तरह आधा इंच के ऊपर हम इसमें इस तरह से सीधा निशान लगा लेते हैं। इसी तरह इस पर लगा लेंगे हम आधा इंच पे निशान, और फिर इसे इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर आधा इंच पे निशान लगाने के बाद। और फिर यहाँ पे इस तरह से तिकोनी सिलाई लगाएंगे, ऐसे एक स्क्वायर शेप में सिलाई लगा देंगे, जो दोनों मुँह हमारे आपस में दब जाएंगे इस तरह से। तो मैं स्क्वायर शेप में सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके सेंटर में इस तरह से सिलाई कर ली है। उसके साथ साथ मैंने इसके दोनों तरफ इसे किनारों पे भी एक एक सिलाई कर ली है, जिससे हमारी पूरी कपड़ा बिल्कुल फिनिशिंग से दब गया। अब इसके अंदर हम ऊपर की तरफ प्लेट डालेंगे। इसको सेंटर पे हम चौक से निशान लगा लेते हैं। इस तरह चौक से निशान लगा के एक प्लेट हम इधर डालेंगे, उसका मुँह इस तरफ रखेंगे हम, और दूसरी प्लेट का मुँह इस तरफ रखेंगे। इस तरह हम इसमें एक प्लेट भी डाल सकते हैं, और या फिर इसमें छोटी छोटी हम 2 प्लेटें भी डाल सकते हैं तरह से। तो मैं इसमें इस तरह से ये प्लेटें डाल के ले आती हूँ दोनों तरफ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने दोनों तरफ इसमें प्लेटें डालनी है। अब इस तरह से हम एक छोटी पट्टी लेते हैं और एक बड़ी पट्टी लेते हैं। ये हमने 1.5 इंच चौड़ाई के लिए छोटी वाली पट्टी को तो हम इसके एक तरफ इस तरह से, जिस तरह से हम अपना आगे से इसका मुँह फोल्ड करेंगे, फिर इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर हम इसमें एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक हम इसमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे, फिर इसे फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे, जिससे एक पाइपिंग सी बन जाती है। और दूसरी तरफ हम जब लगाएंगे, तो उसमें पहले हम अपनी पट्टी को आगे की तरफ से इस तरह से मोड़ लेते हैं, फिर उसको इस तरह से पट्टी बनाएंगे। तो पहले मैं एक लगा के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दूसरी बताती हूँ। इस तरह से पहले इसे आगे से फोल्ड करूँगी और इसे डबल करके यहाँ पर एक सिलाई लगाती हूँ। तो पहले एक सिलाई दिखाती हूँ मैं आपको। हमने ऐसे दोनों मुँह डबल करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को थोड़ा सा हम कट कर देते हैं। अब इसे इस तरह से पीछे करके इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगा देंगे इस तरह से। तो बिल्कुल यहाँ पे पाइपिंग से बन जाएगी और हमारा मुँह आगे की तरफ से बिल्कुल बंद हो जाएगा। इस तरह से हम इधर का हिस्सा करेंगे। अब अपना दूसरा हिस्सा आता है। दूसरे हिस्से पर हम अपनी पट्टी को इस तरह से, इसको बिल्कुल सेंटर में इस तरह से, इसे इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे और अपनी पट्टी को हम इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। तो मैं ये वाली सिलाई और ये दोनों सिलाई आपको लगा के दिखाती हूँ। इस तरह हमने इस तरह इसके ऊपर सिलाई लगा के इसका मुंह बंद कर लिया। दूसरी तरफ मैंने इसमें इस तरह से अपने कपड़े को फोल्ड करके एक सिलाई लगा ली। अब हम इसे अपनी इस वाली पट्टी से एक फोल्ड इधर करेंगे और दूसरा फोल्ड इधर करेंगे, और फिर इस पट्टी को इस तरह से सिलेंगे। और यहाँ पर इसको इस तरह से सिलते हुए पूरी पट्टी को हम सिल लेंगे। तो ये पूरी सिलाई लगा के ले आती हूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने ये डोरी लगा ली है। अब इसके ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने के लिए इस तरह से मैंने ये एक पट्टी ली है। ये पट्टी मैंने 11 बाई
2 इंच के लिए, इसे 2 इंच मैंने चौड़ाई ली, 11 इंच से लंबाई ली है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे हम इसे, और इसमें तरह से फोल्ड करके मैं इसमें एक पट्टी बना लेती हूँ। हमारी पट्टी तैयार हो गई है, अब इसके हम 2 पीस कर लेंगे। और अपने इस वाली नेपी को एक तरफ वाले हिस्से पे इस तरह हाफ फोल्ड करके इसके दोनों तरफ इसमें इस तरह से हमें एक सिलाई लगा देंगे। तो मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरह हमने अपने दोनों पट्टियाँ लगा ली हैं और हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। जब हम अपने लड्डू गोपाल को पहनाएंगे, जिस तरह से हम अपनी ओपन चोली पहनाते हैं, इस तरह से इन्हें पट्टियों को फोल्ड करेंगे, जो ऊपर बेल्ट की तरह होंगे, इन्हें एक्स्ट्रा होंगे, इस पट्टियों को हम उससे काट देंगे। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और फिर अपने कान्हा जी को हम इस तरह से पहना देंगे। इस तरह से हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो जाती है गर्मियों की। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।